इस घूमने वाली बोतल से आप साइंस का उसूल बता सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक की बोतल, दो स्ट्रॉ और थोड़ा सा आटा दरकार होगा। पहले बोतल में दो छोटे छोटे मुखालिफ सिमतों में सुराख बनाएं। इसके बाद में इनमें स्ट्रॉ के दो टुकड़े ठीक तरह से नस्ब करें। फिर इन पर एमसील या आटा लगा दें, जिससे वहाँ से कोई रिसाव ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों स्ट्रॉ के टुकड़े 45 दर्जे जाविये के कटे हों और इनके दोनों सिरे बिल्कुल मुखालिफ हों। थोड़ा वक्फा आटा या एमसील को सूखने दें। इसके बाद में बोतल के मुंह पर एक धागा बांधें और बोतल को पूरी तरह पानी से भरें। इसके लिए आपको नीचे के दोनों स्ट्रॉ को अपने हाथ से बंद रखना होगा। जब बोतल भर जाए तो आप इसे धागे के ज़रिए उठाएं। आपको ताज्जुब होगा कि दोनों सुराखों में से पानी निकलेगा और आपकी बोतल तेज़ी से गोल गोल घूमेगी। ये रफ्तार पहले बहुत तेज़ होगी, पर जैसे बोतल में पानी की सतह कम होगी, ये रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती जाएगी और आखिर में आपकी बोतल रुक जाएगी। इसमें एक मर्तबा दोबारा पानी भरें और इसका ऊपरी नज़ारा देखिए। ऊपर से बोतल कैसी नज़र आ रही है? दोनों स्ट्रॉ से पानी निकलेगा और बोतल को दायरवी शक्ल में घूमने की रफ्तार फराहम करेगा। इस तजुर्बे से हम न्यूटन के तीसरे उसूल को समझ सकते हैं कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यहाँ पर आप इसी बोतल को ज़्यादा करीब से देख सकते हैं, तो इससे खेलिए और मज़ा लीजिए।